हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ना मैं बहुत दिन से अपना डेली रूटीन ब्लॉग नहीं डाल रही थी, ऐसे ही कुछ कुछ डाल रही थी। और मुझे मन भी करता है कि मैं कभी कभी डेली, क्योंकि कुछ खास तो करती नहीं हूँ, उठते के साथ ही ना पागल जैसा करने लगी थी। और ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, आई डोंट नो कि ये सबके साथ होता है कि नहीं। वैसे रील्स देख के तो पता चलता है हाँ सबके साथ होता है। उठते के साथ मैं फ्रेश व्रेश होकर के चली गई किचन में, और फिर ना मुझे साथ में फ्रेंच वीडियो भी बनाना था। तो खाना बनाते बनाते ना मेरा फेस स्टोन जो है वो सोख हो रहा था पानी में, कल रात को ही दी थी तो रेड वाला फेस स्टोन था। और फिर उसके बाद ना मैं दाल बनाने लगी। ये देखो दाल, फिर मैं धो के नहीं डालूंगी तो फिर आप लोग गाली दोगे, इसलिए मैं धो के डाली थी। दाल बन चुका है गाइस, देखो मतलब इसको बस और अब मैं बनाऊंगी चावल। पहले चावल को धो लेते हैं वरना फिर मैं मतलब यार देखो प्याज ना मैं धो के नहीं डालती हूँ, ये सच है, मतलब ये सच है। मम्मा भी नहीं डालती है क्योंकि पता नहीं क्यों, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें लेयर जो रहता है ना, लेयर बाहर गंदा रहता है तो हम लोग वो लेयर निकाल देते हैं, तो फिर बिना वॉश के ही डाल देते हैं। आई डोंट नो, बट अब से धो के डालूंगी। ठीक है, ठंडा लग रहा है यार। यू नो मेरा फेवरेट सब्जी क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना, मैं बताती हूँ। मेरा फेवरेट सब्जी है सोयाबीन। मुझे सोयाबीन इतना पसंद है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। तो जो मैं सब्जी बनाऊंगी ना आलू सोयाबीन का, तो ये जो आलू है ना मैं उसको दाल में डाल रही हूँ ताकि दाल के साथ ही वो सिज जाए। सॉरी, दाल तो बन चुका था चावल के साथ। और फिर मेरी मम्मी मेरे को आके के प्रसाद दे दी। पूजा बहुत जल्दी कर देती है। फिर मैं चली गई दूध लाने के लिए, और ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली जाती हूँ और पपीज़ को ना खाना देती हूँ। इससे मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिलता है। थेरेपी इज़ सो एक्सपेंसिव, इसलिए मैं ये करती हूँ और सच्ची मुझे बहुत बहुत खुशी होता है। और मैं जैसे ही जाती हूँ ना, क्योंकि एक आदत हो गया है ये लोग को भी, मैं जैसे ही जाती हूँ ना ये लोग दौड़े दौड़े आते हैं मेरे पास। मैं ना कल वीडियो शूट करके दिखाऊँगी, ठीक है? आज तो मैं नहीं शूट कर पाई, मैं आप लोग कल दिखाऊँगी। प्योरो पपी अरे हाँ, उस दिन हम लाए थे बिस्किट, हम भूल ही गए थे कि बिस्किट लाए। सुनो ना, ये भी खा जाओ, पिताजी के लिए रख लेते हैं। दो ना, सोयाबीन नहीं दे रही है, ना ही पलंग खाने दूसरे बाद पानी नहीं देना है। चाय में तुम सोयाबीन डालेगी? सोयाबीन मांगी थी ना, मड़वा गिरा के ला कटोरा। गरम पानी में सुबह। आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन का सब्जी। मुझे बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी, ठीक है? और इसके लिए ना वो जो इंग्रेडिएंट था ना सबको मैं पीस ली हूँ, उसमें दो टमाटर भी डाल चुकी हूँ, ठीक है? और इसका ऐसा पेस्ट बन गया है।
और फिर सब्जी बनाने के बाद मैं चली गई नहाने के लिए, और नहा करके आई और मेरे को बहुत ही ज़ोरों से भूख लगा हुआ था। मैं बिस्किट खाई थी फिर भी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जी जो बन रहा था ना, इससे बन रहा था क्या, बन गया था। जब तक मैं नहाई तब तक मम्मा पापा के लिए रोटी बना दी थी। और देखो ना मुझे कौन सा लगाना पड़ रहा है मॉइस्चराइज़र। और ये रहा मेरा सब्जी मेरे हाथों का। आई नो थोड़ा सा नमक कम था, बट इट्स ओके। नमक ऊपर से भी लेके खा सकती हो ना, बट ज़्यादा पड़ जाता तो ख़राब हो जाता, इसलिए मैं नमक कम ही देती हूँ। बट पहली बार ऐसा, पहली बार नहीं मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है ना कि मैं नमक ज़्यादा या फिर कम कर देती हूँ, वरना मेरा जो अंदाज़ा है ना वो, देखो तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट बहुत एक्यूरेट है, बहुत सही रहता है। फिर ना शाम हुई थी तो मम्मा ना बोली इडली खाना है, चले जाओ इडली खाने के लिए, इडली वाला आया हुआ है। तो आज ट्यूशन नहीं था क्योंकि यू नो मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ ना, ये व्लॉग 2 दिन पहले का है, ठीक है। तो भैया आउट ऑफ स्टेशन है और सर भी आउट ऑफ स्टेशन है, तो ट्यूशन अभी बंद है। और किस किस को इडली पसंद है ये बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद है बट उतना भी ज़्यादा नहीं, लाइक एक से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी, मतलब एक प्लेट से ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। और ये मैं मम्मा से बात कर रही थी, एक कटोरी मैं मम्मा के ले ली थी, एक कटोरी मैं खुद के ले ली थी। और हाँ टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। खट्टा था थोड़ा सा, मुझे डर लग रहा था कि मेरा सर दर्द ना करे। मम्मी रियलिटी में तो टीवी हिल नहीं रहा है उस तरह, तो फिर कैमरा में क्यों ऐसे हिल रहा है? ये देखो मेरे भैया आउट ऑफ स्टेशन थे ना तो आ गए फिर वापस, और फिर ना वो स्ट्रॉबेरी लेकर गए थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी कभी नहीं खाई हूँ, कभी भी नहीं। गाइस आज मैं पहली बार स्ट्रॉबेरी खाऊंगी, पहली बार। मेरे को लगता था ना कुछ बहुत अच्छा सा होगा। एक तो सबसे पहले बहुत खट्टा है, जो अभी तक अपने लाइफ में स्ट्रॉबेरी नहीं खाया, आई थिंक बहुत लोग खाए होंगे। दांत को धो गया। हाँ तो जो लोग स्ट्रॉबेरी नहीं खाए बिल्कुल रिग्रेट नहीं करना, बिल्कुल भी रिग्रेट मत करना है, इतना बेकार खट्टा, पका हुआ अमरूद का स्वाद है और खट्टा लग रहा है बस। हाँ सो गाइस आप लोग पूछते हो ना कि मेरा फेवरेट खाना क्या है, खाना क्या है, मैं कन्फ्यूज होती हूँ ना, मैं आज आपको बताती हूँ। मेरा फेवरेट डिनर है, देखो इसको बोलते हैं दाल पिट्ठी, बिहारी में बोलते हैं दाल पिट्ठी। आई नो ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, क्योंकि पापा को गाढ़ा पसंद है इसलिए वो गाढ़ा बनवाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है, लाइक मैं इसको डेली खा सकती हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। गाइस मैं सच बता रही हूँ, ये इतना अच्छा होता है, मैंने अचानक से देखी कि मम्मी ने दाल पिट्ठी बना के रखा है, मुझे ये बहुत पसंद है यार। मम्मा भी मेरे को बोलते हैं ना सरप्राइज, मतलब इतना नहीं बोली बट मतलब उन
उनका कहने का मतलब ये था, तो एंड सोने पे सुहागा पता है क्या है, इसका रेसिपी मैं पक्का दूंगी और ये और अच्छे से बनता है। प्रॉब्लम ये हुआ ना कि सुबह का सुबह मैं 2 ढक्कन दाल बना दी थी इतना सारा, तो वही दाल को मम्मा ऐसे वैसे कर कस्टमाइज कर दी, तो ऐसा हो गया। बट फिर भी टेस्ट बिल्कुल सेम होगा, मैं इसका रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी, ये बहुत अच्छा लगता है। सोने पर सुहागा पता है क्या है, ये बंधा गोभी आलू और मटर का सब्जी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा, मुझे सब कुछ ही पसंद है घर का, ये मेरा फेवरेट है। चलो खाते हैं। इससे अच्छा डिनर नहीं हो सकता। आलू का और यहाँ पे मैं जब अपना डिनर ख़त्म की ना, तो मुझे क्रेविंग होती है हमेशा, आप लोगों को पता है। तो आज ना मेरे बटर ग्रे का क्रेविंग हो रही थी, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे और कुछ खाने का मन नहीं करता, बटर ग्रे खाने का मन करता है, क्योंकि ना मुझे 2 दिन से बटर ग्रे बहुत ही अच्छा लगने लगा है। मैं ऑर्डर भी दे चुकी हूँ बटर ग्रे का 1 kg का, तो मैं ढूंढ रही थी, आई नो बटर ग्रे है बट कहाँ है ये नहीं पता था, वो स्टॉक रखी रहती है उधर उधर ना, तो इसमें क्रम्बस थे तो मुझे बटर ग्रे मिला। तो ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी आज, आई डोंट नो वाई। सो ये मैं ना थोड़ा सा एक स्लेट पेंसिल का टुकड़ा था और मेरे पास ये था बटर ग्रे, देखो इतना मतलब इतना टेस्टी लगता है ना ये। फिर मुझे थोड़ी सी और क्रेविंग हुई तो ना मैं क्यूब खा रही थी, आई नो आप लोग साउंड सुनना चाहते हो तो लो भाई सुन लो। फिर मम्मा लास्ट में आकर के मेरे को दूध दे दी जो कि ऑलरेडी हमेशा देती है, और इसके अंदर तुलसी पत्ता था, तो वही मम्मा से पूछ रही थी कि क्या है। फिर ना मैं दूध पी ली और लाइफ में इतना कुछ मिल रहा है, क्या चाहिए और, नहीं क्या चाहिए और भाई। दूध पी के मैं चली गई सोने। ओके बाय।